हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना हो गया है। नारायण राणे पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़े ही नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया। वाइए कि आज राणे रत्नागिरी में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए थे, उसी दौरान रत्नागिरी के SP राणे की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे। उन्होंने राणे से बात की, उसके बाद राणे को गाड़ी में बिठाकर जन आशीर्वाद यात्रा के साथ भी निकले। आप देखिए नारायण राणे की गिरफ्तारी किस तरह से हुई। खाने की थाली लिए नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त नारायण राणे खाना खा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के वक्त ये जो ड्रामा हुआ है ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। समर्थक नारायण राणे के विरोध कर रहे थे लेकिन नारायण राणे ने कहा कि मैं चल रहा हूँ, कृपा करके कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। और नारायण राणे ने अपना खाना बीच में छोड़ा और पुलिस के साथ आगे चल निकले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए थे। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार क्या वजह थी कि खाना खाते नारायण राणे को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आइए आपको बता दें कि वजह क्या थी। नारायण राणे ने दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इन अपशब्दों के इस्तेमाल की वजह से नारायण राणे के खिलाफ शिवसैनिक बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने दरअसल कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त के बारे में चर्चा करते वक्त, उस वक्त आज़ादी के कितने साल पूरे हुए हैं वो इसे भूल चुके थे, इसके लिए उन्होंने अपने सहायक से इसे कंफर्म करने की जानकारी मांगी। नारायण राणे के मुताबिक उन्हें इतना शर्मनाक ऐसा लगा कि वो दरअसल उन्हें थप्पड़ मार देना चाहते थे। उनके इस थप्पड़ की गूंज इतने बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगी, इसका शायद शिवसेना को भी गुमान नहीं था और न ही भारतीय जनता पार्टी को। उनके इस बयान के बाद कई शहरों में एक साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दफ्तरों पर हमले किए गए और फिर नारायण राणे के खिलाफ 4 FIR दर्ज किए गए, 4 मुकदमे दर्ज किए गए। नारायण राणे ने अग्रिम जमानत की याचिका निचली अदालत में लगाई लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पेंडिंग है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि वो इस याचिका पर अभी विचार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। और ये आप आपको दिखाते हैं राणे ने जिस बयान के बाद जिनके वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो भी हम आपको सुनाएंगे। नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी उनके अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाएगी, सुनवाई कल ही हो पाएगी। लेकिन आखिरकार वो बयान क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल मचा, आइए देखते हैं। बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संतुलन तिलक महोत्सव काय? मी असतो ते कानाखाली चढवली हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। बयान है जिसकी वजह से आज जबरदस्त घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ शिवसेना के बीच में। इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं मुकाबला में, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मुकाबला हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में रण की और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अतुल लोणे जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, क्राइस्टो हमारे साथ NCP से हैं क्लाइड क्राइस्टो और आनंद दुबे जी शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी पहला सवाल आप ही से, JP नड्डा जी का ट्वीट है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है, इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरे हैं न दबे हैं। कौन डरा और दबा रहा है आपको? तो सामने से ही आप देख रहे हैं कौन लोग डरा रहे हैं और कौन दबा रहे हैं। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा से मातोश्री की चूल्हे हिल गई, श्रीमान उद्धव ठाकरे को भय उत्पन्न हुआ और उस भय उत्पन्न करने का उन्होंने अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कदम उठाया है। अगर इस तरह से आप जो है लोगों पर मुकदमे करें तो सामना के रोज के संपादकी पर श्रीमान संजय राउत और श्रीमती रश्मि ठाकरे रोज जेल में रहेंगी।
जिस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग सामना में होता आया है या हो रहा है या होता रहेगा आगे भी, उस तरह के शब्दावलियों का जो 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 आदरणीय नारायण नारायणी जी ने जो कहा, आदरणीय नारायण नारायण जी ने क्या कहा, उसमें इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा जो है उसका उल्लंघन हो गया, कृपा करके आप बताइए। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो, यानी उसकी जगह मैं होता तो मैं कान के नीचे मारता, ये कहा, मैं कान के नीचे मारूंगा या मारना मैंने तय किया है, ऐसा तो नहीं कहा गया। और इस तरह की बातें करें तो श्रीमान राहुल गांधी ने संसद में सदन में कहा कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीठ पर डंडा मारूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई मुकदमा करने की बजाय, केस करने की बजाय क्या कहा कि मैं और दंड बैठक करूंगा ताकि मेरी पीठ और मजबूत हो जाए। तो एक लोकतंत्र का उदाहरण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया, दूसरी तरह से किस तरह से अलोकतांत्रिक है। और आप कृपा करके बताइए ना, आपके विरुद्ध अगर कोई बात कह देगा तो आप उसके कार्यालयों पर हमला करेंगे पथराव करने के लिए? सत्तारूढ़ दल मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री की पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर पथराव करेंगे? मान लीजिए इसी तरह से प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी तो क्या महाराष्ट्र को अराजकता के गर्त में ढकेलना है? ये उद्देश्य है श्रीमान उद्धव ठाकरे? प्रेम शुक्ला जी, जो धाराएं लगाई गई हैं मैं जरा वो आपके सामने रख देता हूं ताकि इसके बाद फिर हम अभी शिवसेना का भी हम जवाब लेंगे इस मुद्दे पर। जो धाराएं लगाई गई हैं वो सबसे पहले हैं आईपीसी सेक्शन 500 डिफेमेशन यानी कि मानहानि, आईपीसी सेक्शन 505(2) मिस्चिफ यानी कि खुराफात करना, आईपीसी 153(b)(1)(c) यानी कि एक ऐसी बात जिसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द पूरे तरीके से खत्म हो, लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा हो या फिर अविश्वास पैदा होता है, इन तमाम धाराओं के बिना पर तो गिरफ्तारी बनती है साहब। आप कृपा करके अजय जी बताइए इसमें सांप्रदायिक विद्वेष कैसे होता है? नहीं मैं नहीं जानता, ये धाराएं लगाई गई हैं साहब। नहीं नहीं आप मुझे कृपा करके बताइए ना, आप भी तो जानकार हैं। अभी आप ही ने जो है नारायण राणे जी की जो का जो बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आपने सुनाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान में कहा कि उनको आजादी का वर्ष ज्ञात नहीं है, वो पीछे मुड़कर जो है अपने सहायक से पूछते हैं कि आप जो है इस बार कौन सा वर्ष है, हीरक जयंती के अमृत महोत्सव है, अगर मैं होता तो मैं उनकी कान के नीचे मारता, यही बात कही है उन्होंने। अब इसमें से सांप्रदायिक विद्वेष कैसे फैल गया मुझे बताइए, इससे कौन सी सांप्रदायिकता फैल गई? तो आप 153 ये कैसे लगा देंगे, ये खुराफात कौन सी, ये भी आप कृपा करके बता दीजिए कि ये कौन से मतलब जो है नया विधान को नई नए तरीके से भारत के वैधानिक व्यवस्था को समझने का जो नया तरीका ईजाद किया है श्रीमान उद्धव ठाकरे ने, वो कृपा करके, वो तो मनमोहन सिंह को 2009 के चुनाव में हिजड़ा कह रहे थे, तब तो उनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2009 की बाकायदा जो है वो शिवाजी पार्क की सभा में श्रीमान उद्धव ठाकरे ने श्रीमान मनमोहन सिंह से कहा कि ये हिजड़े हैं, निर्वीर हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते रहे वो अपने विरोधियों के लिए। अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है जी, अगर उद्धव ठाकरे के लिए कोई कर देता है तो अपराध हो जाता है। इस तरह के शब्दों आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी आश्चर्यचकित हूं, मैं एक बात बताता हूं, ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, यह धन आशीर्वाद यात्रा है। जिस प्रकार इस यात्रा में धन और बल का प्रयोग हो रहा है, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े, अरे कोरोना काल से लड़ने की आवश्यकता थी, लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटने की आवश्यकता थी, इस समय जनता से आशीर्वाद लेने लायक पार्टी नहीं बची है बीजेपी, क्योंकि जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जन आशीर्वाद निकालने का सही समय नहीं था। चूंकि मैं उस पर आना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता एक बार भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नारायण राणे जी ने जो कहा है वह गलत कहा है कि सही कहा है, उस पर उनका स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, क्योंकि वो घबराए हुए हैं, वो जानते हैं कि जो कहा है वो तो बिल्कुल गलत है। किसी भी पक्ष प्रमुख के लिए या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि मैं आपको थप्पड़ जड़ देता, आपकी इतनी हिम्मत होती है? वो भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आप टीम में मेंबर हैं, आप एक कैबिनेट का हिस्सा है, यदि आप ऐसा वर्ताव करेंगे, आप ऐसा वातावरण पैदा करेंगे तो हम नौजवान, हम जो अभी राजनीति में बिल्कुल नए नए साथी आना चाहते हैं, उनके ऊपर आप क्या छाप छोड़ना चाहते हैं? मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कि इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको मंत्री पद से बर्खास्त। चाहता हूं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप आरोप लगाइए, गिरफ्तारी भी करनी तो कीजिए, लेकिन जो पूरे दिन भर तमाशा होता रहा है, मारपीट होते रही है, दफ्तर पर हमला पथराव ये सब होता रहा है, ये भी क्या जरूरी था? क्या ये विरोध अपने आप में सही था? ये विरोध का तरीका सही है?
शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है तो अंत हम जरूर करेंगे। अगर आप क्रिया करेंगे तो हम प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। आप हमारे युवा सेना के साथियों को मारने की कोशिश करेंगे तो क्या युवा सेना के साथियों ने हाथियों में, यानी कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है शिवसेना के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है। कानून व्यवस्था इतनी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दुबे जी मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। ये सीधी तस्वीरें अभी हमारे पास आ रही हैं, थाने के भीतर की सीधी तस्वीरें हैं जो अभी आप देख रहे हैं। यहां पर भारतीय पार्टी के कई नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ गए हैं और यहां तक कि नारायण राणे के बेटे भी हैं, वो भी यहां पर अनशन करने के लिए बैठे हैं और नीलेश राणे यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें अभी आप थाने से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें अभी नारायण के बेले नीतीश राणे के हैं जो कि अभी हमने आपको दिखाई, वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से। लेकिन अभी हम फिर वापस लौटते हैं दुबे जी आप ही के पास। जिस तरह की आज पूरे दिन भर की अव्यवस्था है, आप ये मान रहे हैं कि कानून अलग है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो फिर कानून है किस लिए इस देश में? नहीं नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, लेकिन आप हम पर हमला करेंगे तो हम अपने बचाव में प्रतिक्रिया तो देंगे। आप हमारे साथियों को मारने की कोशिश करेंगे तो हम भी तो बचाव में कोई प्रतिक्रिया देंगे। बचाव तो नहीं दिख रहा था, देखिए तस्वीरें अपने आप में आज हमने दिखाई इंडिया टीवी पर, बचाव तो नहीं था। कितनी चोटें पहुंची हैं हमारे साथियों को, चोटें पहुंची हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, किसी के माथे पे चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई। आप महिलाओं को, बच्चियों को आप दौड़ा के पीटने की कोशिश करेंगे, ये कौन सा संविधान जिसका जवाब दे रहे? फिर मैं आ रहा हूं साहब आपके पास, शुक्ला जी एक छोटा जवाब दे प्लीज। जी जी नहीं, मुझे राजीव कुमार जी कृपा करके बताइए, नारायण राणे जी के घर के बाहर शिवसैनिकों को आने की आवश्यकता क्या थी? एक अमरावती कार्यालय पर हमला करने की आवश्यकता थी, नासिक कार्यालय पर हमला करने की क्या आवश्यकता थी? पत्थर लेकर आप किसी के घर पर पत्थर फेंकेंगे, ये क्या आवश्यकता? ये राज चलाने का तरीका है? श्रीमान उद्धव ठाकरे की कायरता का यह निशान है कि जिनको स्वयं के मुख्यमंत्री पद का संचालन करने की शक्ति नहीं है, वो अपने विरोधियों के घरों पे पथराव करने के लिए लुक्के भेजेंगे। इस तरह के लुक्के जो है किसी के घर पे जाके पत्थर मारेंगे और वो पत्थर मारने के बाद जो है आप कहेंगे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपके आपके राज्य में कानून एवं प्रशासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का जिम्मा किसका है? क्या ये जिम्मा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नहीं है? क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज में कभी आप सैनिक की पिटाई करेंगे कि कभी किसी उत्तर भारतीय के मुंह पे काली पोतेंगे, उसका सिर जो है आप मुड़ देंगे, आप कभी किसी के घर पे पत्थर फेंकेंगे? ये राज चला रहे हैं आप, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दुबे जी एक छोटा जवाब दीजिए, मैं कास्टर जी के पास चल रहा हूं। जी आनंद दुबे जी छोटा जवाब प्लीज। शिवसेना नहीं, मुख्यमंत्री होने के नाते नाते आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना पक्ष प्रमुख है, तो आप उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे? आप उनको कभी अपशगुन कहेंगे? जिस प्रकार दो वर्षों में कोरोना काल में मारेंगे उसके घर पे, पूरे 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 भारत पथराव करेंगे, भारत में प्रधानमंत्री पथराव करेंगे, पत्थर मारेंगे, लुकाई करेंगे, तारीफ लुक्का सेना बन जाएगी। उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम लोग घरों में बैठ के देखेंगे, हम तमाशा देखने वाली पार्टी नहीं। हम आप क्रिया करेंगे तो हम प्रतिक्रिया देंगे, आप क्रिया करेंगे तो हम प्रतिक्रिया देंगे। आप अगर कल कोई संजय राउत को गिरा गिरा के मारेगा तो आप भी आपको पत्थर से मिलेगा। आपको आप यदि हमारे उद्धव साहब के खिलाफ कुछ कहेंगे तो आपको सुनने के लिए तैयार रहे। अरे उद्धव बोलना तो सीख लो पहले आनंद मियां। चलिए मैं पंडित आनंद दुबे हूँ, पंडित शुक्ला जी मैं पंडित आनंद दुबे हूँ, आपकी विचारधारा होगी। उद्धव बोलना तो सीख लीजिए। सरजिल उस्मानी के सामने घुटने टेक कर दिखा दिया आपने। सरजिल उस्मानी के खिलाफ श्रीमान उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से घुटने टेके हैं वो बता रहा है कि आप कौन जिस प्रकार आपने कितना परिष्कृत हो गया है, जिस प्रकार आपने जम्मू कितना परिष्कृत है आपका के साथ, कैसे उस्मानी के तलवे चाट रहे हैं, महबूबा जी के साथ उस्मानी के तलवे चाट रहे हैं, उसी यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। सरजिल उस्मानी के तलवे चाटो में सरकार बनाई थी महबूबा जी के साथ, उसी प्रकार ओवैसी के तलवे चाटो, उस्मानी के तलवे चाटो, यही शेष रह गया हिंदुत्व, उसी के प्रकार है। सरजिल उस्मानी के तलवे चाटेंगे श्रीमान उद्धव ठाकरे, यही इनका हिंदुत्व है। आपसे इसी हिंदुत्व की दुहाई देते बैठे के लिए सड़क से संसद तक सक्षम है, देश से लेके विदेश तक चलोगे लोग कूटेंगे सही हो जाओगे, देश ले अभी लोगों ने जो है आदर किया, प्रतिक्रिया हुई ना तो भागने को जगह नहीं मिलेगा, चप्पल छोड़ के भागोगे, आंख मिलाकर बात करने को तैयार है, चप्पल छोड़ के भागोगे देश से।
चलिए अब ये तो सड़क पर ही तय हो जाएगा लगता है ऐसा, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात तो शायद यहाँ कहीं हो ही नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री ऐसा ही है ना। एनसीपी से कास्ट्रो जी हमारे साथ हैं, क्लाइड कास्ट्रो साहब। क्लाइड कास्ट्रो साहब, जाहिर से बात है शिवसेना और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बातों को प्रखरता से रख, लेकिन मैं एक बात आपसे समझ लूं साहब, मुझे ये बता दीजिए महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या जिसको जो मन में आएगा वो कर लेगा? देखिए कानून नाम की व्यवस्था चीज आप सवाल कर रहे हैं, आप तो दृश्य देख रहे हैं ना, और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको दृश्य में देखना चाहिए कि जो लोग रास्ते पर उतरे हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है, और कोई एक पक्ष के खिलाफ या एक पक्ष के समर्थन में नहीं, सभी के साथ कार्रवाई हो रही है। और देखिए किसी भी तरह का हिंसा जो है वो हिंसा गलत होता है, तो अगर किसी ने किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रेम शुक्ला जी जो मेरे मित्र है वो कहते हैं कि भाई उनका क्या वजह थी और क्या कारण था, उन्होंने उतरना चाहिए, जरूरत क्या थी, अगर शिवसेना को अगर बार बार तुम छेड़ते रहोगे, अगर वो रास्ते पर उतरे और क्या जरूरत थी आप सवाल करते हो, तो फिर नारायण राणे जी को ये सब बात करने की क्या जरूरत थी, नारायण राणे जी को ये सब वक्तव्य करने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी है उद्धव ठाकरे जी को जो सवाल कर रहे हैं पीछे घूमकर। आज सुबह नारायण राणे जी जब वहां पर पत्रकार परिषद ले रहे थे, स्वतंत्रता दिवस के बदले उन्होंने स्थापना दिवस कहा, तो क्या उनके ऊपर भी सवाल किया जाना चाहिए? क्या उनको भी पता नहीं कि स्वतंत्रता दिन और स्थापना दिन में क्या फर्क है? उनको पता नहीं नारायण राणे जी को? आप सोचते हो कि अच्छा कास्त्रो जी एक बात बताइए, अगर अगर इस तरह की टिप्पणियों पर इस तरह से मामले बनने लगे तब तो हमारे देश में न जाने डिफेमेशन के कितने केस होंगे। नहीं तो है कि नहीं, कितने हैं ना, नहीं कितने हैं जरा बताइए ना। देखिए उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, जरा कोई किसी मुख्यमंत्री के बारे में कहता तो उनको अरेस्ट होता, उनको उठाकर लेके जाते। नहीं तो क्या हम हिटलर के राज में रह रहे हैं? फेसबुक पे पोस्ट किया उनको। कास्त्रो साहब मुझे ये बताइए ना कि क्या हम हिटलर के राज में रह रहे हैं, कि अगर कोई आदमी कुछ कह दे तो मैं देखिए क्या कहता है वो सही गलत बिल्कुल अपने आप में मर्यादित होनी चाहिए, मर्यादित भाषा होनी चाहिए, लेकिन क्या सीधे इस तरह से अरेस्ट वारंट जारी होगा? सवाल किया जवाब तो ले लीजिए। जी सर आपने सवाल किया जवाब तो ले लीजिए ना। बोलिए सर। आप हिटलर की बात करें तो देश में क्या हिटलर चाय चल रही है, आप वो कहना चाहते हैं? नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आज राजनीतिक परिमर्श इतना गिर चुका है कि एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में कोई पीछे नहीं रहता, तब तो एक दूसरे के ऊपर लगातार डिफेमेशन करते रहिए। अभी तो 2009 का एग्जाम्पल दे रहे थे प्रेम शुक्ला जी, तो तब तो कांग्रेस पार्टी को न जाने कितने डिफेमेशन केस करने चाहिए थे। अजय जी आप सवाल कर रहे हैं, जवाब सुनेंगे कि आप? जी सर। अरे मैं तो वेट कर रहा हूँ, बताइए ना आपको सवाल पूछना है। जी नहीं तो आप सवाल सुनने के पहले सवाल करते जा रहे हैं, जवाब सुनिए ना। बोलिए ना। बात यह है, मैंने पहले कहा हिंसा कोई भी बात की हो उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर हिंसा कर रहा है और आकर फिर से छेड़ना, अभी बीजेपी के लोग जो है जब ये लोग रास्ते पर उतरे थे शिवसेना के लोग, तो वहां आकर छेड़ने की क्या जरूरत थी? ये नारद मुनि का खेल क्यों कर खेल रहे, छेड़ रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि गृह मंत्रालय का महकमा तो आपकी पार्टी के ही नेता के पास है ना, तो अभी तक कितने लोग अरेस्ट हुए? चालू है ना, कितने लोग अरेस्ट हुए? लोग रास्ते पे थे, सब पे कार्रवाई हो रही है ना। आइए एक अरेस्ट बता दीजिए ना सर, आपको बता देख लीजिए कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप देख रहे दृश्य। प्रेम शुक्ला जी अभी तक कितने लोग अरेस्ट हुए? आपके टेलीविजन पे सुन लीजिए, मेरे पास कोई संख्या नहीं है, जवाब तो सुन लीजिए। मेरे पास कोई संख्या नहीं है, बात करने दो। लगातार जो है आप भाइयों की तरह हरकतें जो है, जिसकी सत्ता है वही पत्थर मरवा रहा है, इतना क्यों डर रहे हैं? कार्रवाई कार्रवाई क्या होगी? धीरज रखिए थोड़ा, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, हमने हमेशा अच्छी डिबेट की, आप बोलते जब मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ। प्रश्न पूछा जी ने तो उत्तर दिया भाई, नहीं दे रहा हूँ ना मैं उसे, अजय जी ने प्रश्न पूछा इसलिए उत्तर दिया मैंने। नहीं अजय जी ने मुझे तेजी धनी क्या आवश्यकता? अच्छा चलिए चलिए, नहीं मुझसे पूछा देखिए। अच्छा सुनिए ना साहब, क्लाइंट साहब अभी तक प्रेम शुक्ला जी के पास कोई जानकारी नहीं कि कितने अरेस्ट हुए, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ना, सुबह से मारपीट चल रही है, कितने व्यक्तियों को डिटेन भी किया है पुलिस ने, कोई आंकड़ा तो होगा आपके पास? अजय जी अकाउंट पुलिस स्टेशन पे आइए ना, देता हूँ। प्रेम भाई तो बंबई में ही है, चलो मिलते हैं डिबेट के बाद में, और मेरे साथ चलिए जू पुलिस स्टेशन में, प्रेम भाई को तो पता है, और प्रेम भाई तो सबकी खबर रखते हैं, उनको आपसे और मेरे से पहले खबर। चलिए यानी कि अभी आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है इस बारे में। अतुल जी मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अतुल जी ये जो पूरा सड़क पर चल रहा है संग्राम, ये संग्राम कहाँ जाकर थमेगा? इस तरह के आरोप प्रत्यारोप डेफेमेशन के केसेस तो होते रहे हैं राजनीति में, लेकिन आज ये संग्राम जो सड़क पर है ये बहुत जबरदस्त है, क्या कहते हैं अतुल जी? नहीं नहीं ऐसा है कि नारायण राणे जी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे या गाली गलौज यात्रा निकाल रहे थे यही समझ के बाहर है,
उन्होंने सफेद पैर का मुख्यमंत्री, ये कोई मुख्यमंत्री है क्या, इसको क्या समझता है, ये जो भाषा का, अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया वो उनका कंटिन्यू चल रहा था। और फाइनली उन्होंने उनके कान के नीचे मारने की बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। देखिए हमारे पार्टी में अगर ऐसा कोई मंत्री कहता तो अब तक उसका इस्तीफा हो चुका होता। ये मोदी जी की पार्टी है, इसमें इस्तीफा तो दूर की बात है। यहाँ तो कोविड का सवाल पूछा तो यूपी में लोगों की संपत्तियां जब्त हुई है, तो हिटलर का उदाहरण जो आपने दिया है वो वहां ज्यादा फिट होता है। सेक्शन 153 जो इम्पोज किया है वो सेक्शन 153 इंसाइट किया उन्होंने दो गुटों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने के लिए। तो ये जो गाली गलोच है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अंडरमाइन करना है, इन्होंने उदाहरण दिया राहुल जी का। राहुल जी ने ये कहा था, प्रेम भाई आप पत्रकार रह चुके हो, सामना के संपादक रह चुके हो, तो आपको मेरे से ज्यादा पता है सामना की भाषा और किस तरह से आप लिखते हो। आप ही ने इस बीजेपी के लोगों को अफजल खान कहा था, हम दोनों साथ में थे तब आज तक की एक डिबेट पर, मैं तो नाम भी लेता हूं चैनल का, लेकिन ये भाषा आपकी कभी नहीं रही है। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आज प्रेम भाई की जो भाषा है वो इस तरह से कैसे हो गई। आज तक मैंने उनको ऐसी इस भाषा में इस अभद्र शब्दों का इस्तेमाल इसके पहले कभी करते हुए देखा नहीं, आज देख रहा हूं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टियां बदलते हैं ठीक है, हर्ज नहीं, लेकिन अपनी खुद की सभ्यता छोड़ देना ये ठीक नहीं। प्रेम भाई जी आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन एक बात ये तय है अजय जी कि ये महाराष्ट्र का कभी कल्चर नहीं रहा है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कल्चर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। राहुल जी ने ये कहा था कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आपने 15 लाख की बात कही थी, बाहर निकलोगे तो डंडे पड़ेंगे। तो ये एक कहने का मतलब था, वो पार्लियामेंट के अंदर था, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपने भाषण में रखा था, जिसका जवाब सन्माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो आप अगर डाने जी का पूरा वक्तव्य देखोगे आप भाजपा में जाने के बाद, तो पूरे वक्तव्य में उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 50 से ऊपर के बार में देख रहा था सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यूअसली इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ। वो शिवसेना के मुख्यमंत्री है, आप वहां पर थे, शिवसेना ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आप किसी वजह से वो पार्टी से निकल कर आए, आपने पार्टियां चेंज की, आज यहां आने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल पद को, एक मुख्यमंत्री को इस तरह से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, एक बार नहीं, एक व्यक्ति को आप बार बार कहोगे, तो ये भी ध्यान में आता है कि भाजपा ने जानबूझकर नारायण राणे जी को शिवसेना को छेड़ने के लिए कहा है। और कहीं ना कहीं 356 का जो उल्लेख बार बार हमारे हाउस में भी होता है महाराष्ट्र के, कि मुनगंटीवार जी जो वित्त मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वो खुद बार बार ये कहते हैं कि फिर कहना मत 356 हमने लगा दिया। अरे 356 लगाना है तो यूपी में लगाओ ना, बिहार में लगाओ, जहां पर तो प्रेम शुक्ला जी विधायकों को मारते मारते है कि इमरजेंसी लगा दी जाए। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट अजय कुमार जी आप ही सवाल पूछ रहे हो, जवाब ले रहा हूं। प्रेम भाई अजय कुमार जी, अजय प्रेम भाई क्या जवाब देंगे, कौन इमरजेंसी लगा रहा है, ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, कौन इमरजेंसी लगा रहा है कि आप प्रेम भाई जरा बयान दे देने से प्रेम भाई जरा दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने पहुंच जाएंगे, ये पथराव करना इमरजेंसी का लक्षण है। प्रेम भाई मुनगंटी वार मोदियों के घरों पर पत्थर मारने के लिए उन्होंने धमकी दी है, इनकम टैक्स आएगी, कहना कि हम 356 लगा रहे, राष्ट्रपति राजवट लगा रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई पत्रकार नहीं कह रहा है, ये मुनगंटी वारजी जो आपके नेता है उन्होंने हाउस में कहा, ऑन रिकॉर्ड है, आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्ड ला के दे सकता हूँ, हाउस में कहा, ये विधानसभा में तो आप उनको सवाल पूछने का कोई सवाल नहीं आता। अच्छा अतुल जी एक छोटा जवाब ले लो, क्योंकि आप हमारे साथ मनीषा कायदे जी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक छोटा जवाब दीजिए मनीषा जी के पास, इसके बाद चल रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के बारे में 90 से अधिक विधानसभाओं में जिनको बहुमत प्राप्त था ऐसी राज्य सरकारों को 1952 से लेकर 2014 तक बर्खास्त करने का दुष्कर्म किया है। क्या मंत्री ने यह कहा था, अनुच्छेद 356 श्री नंबूदरी पाद सरकार के खिलाफ पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुरुपयोग किया था केरल की सरकार ने 1957 में, आप इनकम टैक्स की धमकी दे रहे हैं, क्या तरीका है चिल्लाने का अजय जी, उनके ऊपर प्रेम शुक्ला जी जरा मैं मनीषा जी को शामिल कर लूं इस बहस में प्लीज। मनीषा जी अजय जी आप उत्तर ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैं सुनूंगा प्रेम शुक्ला जी, प्लीज संक्षेप में 30 सेकंड में, प्लीज 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम भाई जी प्लीज, अभी हम प्रेम शुक्ला जी की आवाज सुन रहे हैं। 356 का दुरुपयोग सर्वाधिक किसने किया है, तो कांग्रेस ने किया है। 90 से अधिक जिन सरकारों को पूरी तरह से विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त था ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का
यानी अगर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा नहीं लगा तो टीएनजैया की आंध्र प्रदेश की सरकार को अच्छा, लेकिन देखिए आप इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आइए जरा आज के मौजूदा हालात पर बात करें, क्योंकि आज महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। मनीषा जी के पास चलें। मनीषा जी ये जो पूरा विवाद है, अगर नारायण राणे जी ने माफी मांग ली होती तो क्या ये विवाद खत्म हो जाता? क्या ये सिर्फ अपशब्द कहने का विवाद है या दरअसल इसके पीछे पॉलिटिक्स है? देखिए, इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। पिछले कई वर्षों से नारायण राणे मुख्यमंत्री, उनके घर वालों के ऊपर, मातोश्री के ऊपर और शिवसेना शिवसैनिकों के ऊपर इतनी बेतुकी और घटिया इस प्रकार की भाषा में बात कर रहे, और कल का तो जो नमूना था वो बिल्कुल ताजा है। और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, स्वयं उनके जो विरोधी पक्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण दरेकर, उनको भी उन्होंने चुप करा दिया था। अरे तू चुप बस, इस प्रकार से उन्होंने उनको कहा था। अधिकारियों से बात करते हैं शासन के तो अरे तू कौन आहे, इस प्रकार की भाषा करते। तो ये केंद्रीय मंत्री है क्या? ये मोदी जी के सरकार के टीम के मंत्री है? ये तो पूरा लांछन इस प्रकार से पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, केंद्र के मंत्रिमंडल के ऊपर है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर सिर्फ माननीय उद्धव जी पर टीका करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए इनको भेजा गया है। इस प्रकार का ये सारा माहौल खड़ा हो गया है। और जिस प्रकार का भाषा, अश्लाघ्य भाषा, बेतों की भाषा इस प्रकार से उपयोग करना और मुख्यमंत्री के बारे में कहना, स्वयं वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके और फिर भी इस प्रकार की भाषा वो कर रहे, ये सरासर निंदनीय है। और ये अगर माफी भी मांगते हैं तो जो उन्होंने नुकसान पहुंचाना था मुख्यमंत्री की गरिमा को, वो तो वो पहुंचा चुके हैं। और नारायण राणे को जहां तक हम जानते हैं वो माफी मांगने वालों से नहीं है, और उन्होंने अभी भी वो स्टेटमेंट पीछे नहीं ले रहे अपना। आप देख रहे होंगे वो अभी भी झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे। आज सुबह का उनका जो स्टेटमेंट था, मैं कोई नॉर्मल आदमी नहीं हूं, मैं मंत्री हूं, इनका ये कह रहे थे। तो अभी भी प्रेम शुक्ला जी एक इस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल आमतौर पर कैबिनेट के मंत्री तो नहीं करते हैं, बात तो सही है ना? ने, 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 अपने पंडरपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चोर शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए जब चोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये उनकी निर्लज्जता है कि नहीं है? और उन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर वोट मांगने जाते हैं, तो श्रीमान उद्धव ठाकरे की इस निर्लज्जता पर सुश्री मनीषा कायंदे जी का क्या अभिमत है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। पंडरपुर की सभा में श्रीमान उद्धव ठाकरे ने क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए चौकीदार? मनीषा जी आप इसका जवाब दें, इससे पहले मैं आप सबको रोकना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी इस हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब